नमस्कार दोस्तों। तो आज है जून की 26 तारीख और जिस प्लांट के बारे में मैं आज बात करूंगी उस प्लांट को बोलते हैं अजवाइन का पौधा। तो अजवाइन का पौधा इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें से अजवाइन की बहुत ज़्यादा ही महक आती है। इसको हम थोड़ा सा टच भी कर लेते हैं तो हमारे हाथ में से काफ़ी देर तक अजवाइन की खुशबू आती रहती है। लेकिन जो हम किचन में यूज़ करते हैं अजवाइन, वो अजवाइन अलग होती है और उसका पौधा भी अलग ही होता है। और इस पौधे को अगर हम टेस्ट करके देखें, ये थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा जूसी होता है और इसका टेस्ट पुदीने जैसा लगता है, जैसे कि मैंने टेस्ट किया है। और इसकी एक दो पत्तियाँ कई लोग चटनी बनाने में भी यूज़ करते हैं। और अगर हम इसकी कटिंग लगाने की बात करें तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी नीचे से पत्ते निकाल देने हैं, नीचे नीचे से, और इसको हमने सिंपल मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाता है और बहुत जल्दी ही ये रूट पकड़ लेता है। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे मिट्टी में और इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है। एक बार लगाने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे, उसके बाद जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती उसको में हम दोबारा पानी नहीं देंगे। बस इसको इस तरह से लगा देना है और अच्छी तरह से दबा देना है। ये किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से चल जाता है और इसमें बहुत जल्दी ही रूट बन जाती हैं और ये पूरे गमले में एकदम से भर जाता है। जैसे कि मेरा ये देखिए गमला, बहुत ही थोड़े ही दिनों में ये है पूरी ग्रोथ कर ली है इसने ये, और पूरा गमला भर चुका है। अगर इसको और हमने रखना इंडोर में है तो इसकी पत्तियां शाइन करती हैं, अगर धूप में रखेंगे तो ये पीली